All right, hi, everyone. Good morning. फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक कन्फेशन मैं यहीं से कहता हूँ रमेश सर एक ये तो बहुत मजा आता है कि जब भी ऐसा कोई बंच देखने को मिलता है एक तो मुझे बाहर पता लगा कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी सीरियस हैं तैयारी के लिए राइट जस्टर रेज ऑफ हैंड्स कौन कौन सीरियसली ऑलरेडी इस फील्ड में आ चुका है ठीक है हमारे मतलब का क्राउड है मतलब ठीक है राइट तो सबको सिविल सर्विस के बारे में बेसिक बेसिक तो पता होगा उसके बारे में बंसल सर बात करेंगे एक छोटी सी चीज है जो आई uh, वॉन्ट अभी बाहर में किसी से बात कराते हैं फॉरगेटिंग द नेम वो वो कोई मिला था वहां पे एनी वे बट एक चीज कुछ भी बात करने से पहले रियलाइज करने वाली है कि यार uh, इन चार सालों में ऐसा क्या होता है कि फोर्थ ईयर तक आते आते क्लियर कट डिफरेंस दिखाई देने लग जाता है बच्चों में फर्स्ट ईयर में हर कोई सेम आता है हमारा स्कूल सिस्टम बहुत अमेजिंग है बहुत ज्यादा ही को, को करिकुलर एक्टिविटीज होती है है ना बहुत भर भर के एक्सपोजर होता है सटायर है ये है ना राइट right. तो इन चार साल में क्या होता है उसको अगर एक वर्ड में कहा जाए ना बच्चे उसको बोलते हैं कि आप एक प्रोसेस से निकले हो आप शुरू से निकलते आए हो मतलब ऐसा कुछ नया नहीं है कि ये ये चार साल का प्रोसेस है मी गिव एन एग्जांपल जिससे आप लोग जिस चेंज से निकल रहे हो उसी के बारे में आप खुद अवेयर हो जाओगे डू यू डिजायर द सेम थिंग्स जो आज आप कर रहे हो और दस साल पहले भी क्या सेम ही डिजायर थी आपकी बट समहा वी कैन नॉट पॉइंट आउट कि कब चेंज हुए थे वी आर सिंपली अनअवेयर अभी मेरे बोलने के बाद आपको रिलाईज हुआ कि यार दस साल पहले वाला और आज वाला जो मैं हूं वो सेम तो नहीं हूं पहले वाला जा चुका है ये कोई नया है ये कैसे बना वी आर नॉट श्योर उसके अंदर बच्चे छोटे छोटे इंसिडेंसेस लगते हैं यू आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग तो एक चीज जो आज के सेमिनार में होने वाली है इज दैट आई कैन प्रैक्टिकली गारंटी कि जो आप अभी बैठे हो यहां पे, इट्स राइट नॉट टेन ट्वेंटी फाइव आप ग्यारह बजे तक वो नहीं रहोगे अब साढ़े ग्यारह तक फिर वो नहीं रहोगे फिर आप जो आज प्रोसेस होने वाला है प्रीलिम्स का राइट उसके बाद में आपकी फिर आंख खुलेगी फिर मेन्स होगा फिर आंख खुलेगी तो ये तीन दिन का प्रोसेस आपके लिए आई आई कैन लाइक शुड से कि लाइफ चेंजिंग हो सकता है और सबसे बड़ी बात कि जो लोग यहां पे तैयारी नहीं भी कर रहे हैं ना उनके लिए भी आज यहां पे काफी कुछ है वाई बिकॉज इसके अराउंड ना मिसक बहुत सारी हैं। है। राइट बंसल सर इस पूरे प्रोसेस के अराउंड ना मिसकंसेप्शन बहुत सारी हैं इस पोस्ट को लेके मिसकनसेप्शन बहुत सारी हैं राइट जैसे अभी हम बाहर भी किसी से बात कर रहे थे तो क्यों आई बनना है तो इमीडिएटली आंसर आया वहां से कि प्लेटफॉर्म मिलेगा और आ, सेवा करने का मौका मिलेगा ठीक है समझ में आता है फिर मैं कहा चलो ये तो हो गया अब जरा सच्चा आंसर बता दो एक बार आपने क्यों बनना है और फिर उन्होंने सच्चा आंसर दे दिया जो भी आपके दिमाग में चल रहा है हाँ वही वाला एग्जैक्टली exactly वही वाला बट ये जो पूरा प्रोसेस है ये यूपीएससी सी है ना सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन राइट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक ऐसी एग्जामिनेशन जो कि सिविल सर्विसेज के लिए कुछ लोगों को सिलेक्ट करती है राइट right? पर जो ई e वर्ड है ना इसमें एग्जामिनेशन यही पे गेम है सारी

अच्छा बाय द वे यहाँ पे मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ जिसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि यहां पे मैं कुछ ऐसा बोलूं जिसमें मैं खुद बिलीव नहीं करता हूं राइट right? सो so, इस जो मैं स्टेटमेंट देने वाला हूँ इसको भी मैं बिलीव करता हूं तो कंफर्म कर रहा था ऑन रिकॉर्ड भी आगे बढ़िया रह गया ठीक <laughs> है सर अगर मतलब अगर ऐसा ही है अगर मतलब I am to open to change, तो तो ठीक है 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 मैं कल भी वो नहीं था जो आज हूं, राइट? So, अगर ये statement गलत हो जाती well and good है. Engineers के पास में एक बहुत ही गजब होता है. कोई भी एग्जाम क्रैक करने का मेरी स्टेटमेंट है कि इंजीनियर्स के पास में सिविल सर्वेंट बनने का एक प्रिमेंडस एज है डू यू एग्री हम लोगों को मैं भी इंजीनियर हूं <laughs> हम लोगों को ना लॉजिक पकड़ने की बहुत बुरी आदत है बहुत ही बुरी आदत है आप लोगों के घर में भी अभी वो हिंदी की कविता आई थी ना तो मैं भी हिंदी में वर्ड यूज करता हूँ ग्रह क्लेश तो आप लोगों के जब ग्रह कलेश भी पढ़ते होंगे ना तब भी वहां आप लॉजिक से चलते होंगे आपको समझ ही नहीं आती होगी कि सामने वाला ये बात कर क्यों रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी और एंगल से आ गया कोई इमोशनल एंगल से आ गया राइट right, कोई ग्रज वाले एंगल से कुछ और एंगल से आ गया आपको समझ में ही नहीं आता होगा यूपीएससी का अगर कभी पेपर उठा के देखोगे आप दैट इज उसमें से ना लॉजिक टपकता है एवरीथिंग इज लॉजिकल एवरीथिंग इज लॉजिकल राइट और हमारे पास वो लॉजिक है हमारे तो डीएनए में रखा है ग्रह क्लेश उसी की वजह से होता है Am I right? so, आने वाला जो भी टाइम होगा जब बंसल सर यहां पे स्टेज पे आने वाले हैं आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि कंसीडर की बंसल सर आपसे वन वन ऑन इंटरेक्शन कर रहे हैं ये ऐसे रेयर मौके होते हैं ये राइट right? कि आप directly, आप डायरेक्टली एमडी के टच में आ रहे हैं एक चीज जो आप अपने पार्ट पे कर सकते हैं राइट नाउ इज दैट कंसीडर की बंसल सर आपसे ईच एंड एवरी वन से कॉन्वर्सेशन uh, कर रहे हैं और कॉन्वर्सेशन टू वे होती है बाय द वे है ना ये मोहब्बत की तरह नहीं है यह दो तरफा ही करना पड़ता है दूसरी बात अगर अभी किसी को फॉर uh, एग्जाम्पल प्यास लग रही हो तो जस्ट रेज रेज योर हैंड में यहां खड़ा खड़ा ना पानी पानी चिल्लाना शुरू कर दूंगा और ट्राई करना कि अगर प्यास बुझ जाए तो नहीं बुझेगी तो सर जो आपको बात बोलने वाले आज अगर आपने सुन ली तो इसी की हवा खा के चले गए आपको पीनी पड़ेगी बात उठाओ बात पी जाओ बात समझो सर क्या बोल रहे हैं देर इज अ रीजन अभी जो लेटेस्ट हमारे रिजल्ट आए हैं एच सी एस के अंदर उन्होंने सौ सीटें निकाली थी आपको शायद याद होगा सिक्सटी वन की उन्होंने फाइनल लिस्ट निकाली है मैरिट में उसमें से अगर ट्वेंटी फाइव प्लस अगर इस इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं बंसा सर की मेंडरशिप में निकल रहे हैं तो सुनने लायक बात तो है एंड आई थिंक इस रूम की एवरेज एज uh, मैं अपनी और इन सबकी निकाल देता हूँ एवरेज एज आई थिंक की यहाँ पर ट्वेंटी वन के आसपास होगी ट्वेंटी ट्वेंटी वन राइट ओके रफली है ना वो ऐसे वाला साइन लगा देते हैं इन दिस पर्टिकुलर फील्ड राइट तो आज जो भी हम करने वाले हैं यहाँ पे तो आपको आई थिंक थोड़ा सा अगर सही से सुनेंगे तो बढ़िया रहेगा एंड देर आर सर्टन मोमेंट्स इन लाइफ जो आपकी लाइफ को कंसिडरेबली शेप कर देते हैं घर में किसी का खोना यंग एज में राइट right?

अंदर बस जाना चाहिए राइट आ, एक आज से साढ़े आठ सौ साल पहले एक पोएट हुए थे आमिर खुसरो राइट आपने सुना होगा नाम उनका तो उनकी क्योंकि स्टार्टिंग में कविता हुई थी इसलिए मैं ये कर रहा हूं ठीक है उनकी उनका एक शेर है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार कि जो प्रेम का दरिया है दरिया मतलब नदी राइट उल्टी वा मतलब उल्टी बहती एक धारा है खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार जो उतरा सो डूब गया कितनी नेगेटिव स्टेटमेंट है जो उतरा सो डूब गया जो डूबा सो पार साढ़े आठ सौ साल पहले आज भी वैलिड है पढ़ते हो रमेश सर हमारे हिस्ट्री के टीचर ये आपको पढ़ाएंगे इनके बारे में भी राइट तो आज यही करना है हमने कूद जाओ इसमें राइट एंड आई वुड लाइक टू वेलकम बंसल सर ऑन स्टेज माय मेंटर

And he also teaches current affairs at अफेयर्स एट न्यूज स्टूडेंट्स आर फैन ऑफ दो तीन बातें इनकी बातों में से जो I uh, definitely would like to point out that communication is always two way. पानी पानी चिल्लाने से और आपकी सुन लेने से आपके प्यास नहीं भुझेगी ठीक है ना तो बेटर कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास एक रिक्वायरमेंट जरूरी है शुड हैवे पेन एंड पेपर है सबके पास सबके पास स्टैन एंड पेपर जरूर होना चाहिए है ना बिकॉज नेक्स्ट वन आवर मे चेंज योर लाइफ और इट विल नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन यू इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू कॉम्युनिकेट राइट सो कॉम्युनिकेशन इज कॉम्युनिकेशन इज नॉट ओनली विद मी देर टू वे कॉम्युनिकेशन ले ले लो ले लो आई विल रिक्वायर टू वेज ऑफ कॉम्युनिकेशन कॉम्युनिकेशन विद मी एट द सेम टाइम कॉम्युनिकेशन विद य राइट आपके अपने साथ भी कॉम्युनिकेशन होनी चाहिए कन्वर्सेशन होनी चाहिए वंस यू आर लिसनिंग टू माई टॉक राइट सेकेंड थिंग विच रोहित पॉइंटेड आउट वॉज चेंज दैट वी ऑल आर चेंजिंग है ना दैट्स अ वरफुल थिंग टू से जो हम कल थे वो आज नहीं है and we are open to change isn't it we are not static we are not even stones change so change is one something which you must uh, understand that you are open to change you are open to new ideas you are open to adaptations right change means that you want to do something and for doing that, something you must or you will do anything. Right? So, communication and change are two things which you must understand. So, before starting uh, systematically, what I wish to say, uh, taking into account this specific audience, is uh, I would like to thank the organizers uh, for organizing this talk and giving me an opportunity to speak before you. And I'm also.

तो वो बहुत पुरानी बातें याद आ गई बट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फ्यूचर यू रियलाइज लेटर ऑन ये बच्चे सेमिनार्स कर रहे हैं आप अटेंड कर रहे हो क्यों ये कोई एन का करिकुलम तो नहीं है एन में तो इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे जो आधी समझ नहीं आएगी या जो कभी काम ही नहीं आएगी कभी तो नहीं काम आती वो तो चलो इट्स फैक्ट ऑफ लाइफ बट लेकिन ये जो इवेंट्स हैं जो ये आपकी गैदरिंग्स हैं दिस विल हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ चलिए देखिए सी फर्स्ट थिंग इज दैट आप यू आर डूइंग ग्रेजुएशन एंड यू आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रेजुएशन है ना राइट यू मे इन फर्स्ट ईयर यू मे बी सेकंड ईयर यू मे बी थर्ड ईयर यू इन फोर्थ ईयर राइट तो इसमें से सेकंड ईयर के कितने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के फोर्थ ईयर के फर्स्ट ईयर के ठीक है Good. कुछ डुप्लीकेशन नहीं होगी लगती देखिए थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के कम क्यों मैंने पहले सेकेंड ईयर क्यों बोला किसने सोचा ये <laughs> हाँ yes. नहीं नो no. कुछ सोचने की बात है कि मैंने सेकंड ईयर ही क्यों बोला सबसे ज्यादा हाथ क्यों खड़े हुए आइडिया ये कि थर्ड ईयर वाले क्यों नहीं यहां बैठे जबकि उनको सबसे ज्यादा जरूरत है फाइनल ईयर वाले क्यों नहीं बैठे वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी है आपने और विच इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग व्हाई दिस फिन इज सो रेगुलर

क्योंकि पहले तीन साल तो किया नहीं कुछ पहले तीन साल तो किया ही कुछ नहीं तो सेकंड ईयर इज द मोस्ट द ईयर ऑफ होप द ईयर ऑफ डूइंग समथिंग मैं थर्ड ईयर की रेसिपी भी दूंगा फाइनल ईयर की रेसिपी भी दूंगा कि अभी भी बिगड़ा नहीं है कुछ राइट right? तो फर्स्ट ईयर इज समथिंग ऑल्दो मैं हमेशा चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर में ही आप में क्लियरिटी हो कि हाँ यस yes, आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग इन लाइफ लेकिन नहीं हो पाती कई बार ठीक है प्लस टू किए आपने इंजीनियरिंग में आए तो फर्स्ट ईयर एक हम छोड़ भी सकते हैं फर्स्ट ईयर ईयर ऑफ प्लानिंग भी हो सकता है कि ठीक है मैं सोचूँ अपने बारे में कि मैं क्या करना चाहता हूँ वॉट आई वॉन्ट टू डू इन लाइफ मैं डू आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसज और आई वॉन्ट टू डू एम बी ए और आई वॉन्ट टू डू अ स्टार्टअप मैं क्या करना चाहता हूँ राइट एंड यूल बाई द एंड ऑफ वन ईयर फर्स्ट ईयर वी कैन मेक अ डिसीजन हम कर लेते हैं बहुत कुछ हमें क्लियरिटी हो जाती है बहुत लोगों को हो जाती है कि ठीक है भाई हमने एम करना है या कुछ भी करना है उसके लिए तैयारी जो है आपके सेकेंड ईयर से स्टार्ट हुई अब सेकेंड ईयर में जोश होता है कि हाँ हो हम प्लान करते हैं रोज और रोज वो प्लान रात को धाराशाही होते हैं होते नहीं होते अब फिर हम डेली प्लान बनाते हैं वीकली प्लान बनाते हैं और हर बार वो प्लान कहीं ना कहीं किसी कचरे के डब्बे में या रात को कहीं पड़े होते हैं ये बात ठीक है हम सोचते हैं कि जी Uh, अभी मैं बात कर रहा था कि हम वो इंटर्नशिप का पीरियड आएगा उस वक्त पढ़ेंगे फिर हम कहते हैं कि कॉलेज के लेक्चर हो जाए उसके बाद अपने एग्जाम्स हो जाए उसके बाद महीने की छुट्टियाँ होंगी उसमें पढ़ेंगे फिर यार बीच में सेशन्स आ गए सेशन के ख़त्म होने के बाद पढ़ेंगे अभी ये फेस, फेस्ट फेस्ट वगैरह ख़त्म हो जाए उसके बाद पढ़ेंगे सेमेस्टर तो कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता है सबके साथ ना ये बात जो थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में दे विल अप्रिशिएट दिस थिंग वो उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो सारे नॉन सीरियस बींग होपलेस इट ड मीन दैट दे आर नॉन सीरियस दे वॉन्टेड टू डू समथिंग बट वो कर ही नहीं पाते मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर था कि मैंने आई की तैयारी करनी है आई वॉज क्लियर इन सो मैनी थर्टी ईयर्स बैक आई वॉज क्लियर इन माई हेड की मैंने तैयारी करनी है आई की वो जब दिल्ली जाके बेर सराय से किताबें मिलती होती थी कुछ फोटो सेट कॉपी पायरेटेड वो इकट्ठे कर लो फर्स्ट ईयर में ही और वो चार साल खुली नहीं किताबें वो चार साल खुली नहीं किताबें वो कभी आप कोई भी एम रख रहे हो एमबीए की एम तो रख रहे हो कुछ भी एम रख रहे हो मेरा लेक्चर जो है सब पे अप्लाई करता है अपार्ट फ्रॉम द सिविल सर्विस विच आई विल टेल इन, इन द एंड फर्स्ट इज प्लानिंग पार्ट कि करना कैसे है इसको मैं आपको यहाँ पे ज्ञान देके चला जाऊंगा ये किताबें पढ़ लो वो पढ़ने का मैं आजकल कोई कमी नहीं है ज्ञान की यू कैन गो टू YouTube and एंड लिसन टू lectures. लेक्चर्स कितने इंटरग्रेट लेक्चर पढ़े हैं स्टडी मटेरियल पे कि कौन कौन सा पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज क्या क्या फोकस है सब कुछ पढ़ा है उससे क्या अचीव हो जाएगा एम क्या नो आई वॉज सेल्फ मोटिवेटेड फर्स्ट सेमेस्टर में सारी किताबें आई एस की पढ़ी थी और एट्थ सेमेस्टर तक वैसे ही पढ़ी थी वो हर सेमेस्टर में प्लानिंग होती थी ऐसे पढ़ेंगे ऐसे करेंगे और वो प्लानिंग सेमेस्टर के बाद ख़त्म हो जाती थी या उसकी इफेक्टिवनेस टेन परसेंट भी नहीं होती थी

देखिए मैं आपको ना एक कॉन्शियस डोमेन में लेके आ रहा हूं आई एम ब्रिंगिंग यू इन टू कॉन्शियस डोमेन की आप रियलाइज करें आप कहाँ हैं आपका नाम लिख लिया आपने नाउ राइट डाउन योर ईयर आप सेकेंड ईयर में सेमेस्टर लिखिए तो आपका कौन सा सेमेस्टर है ये थर्ड सेमेस्टर है सेकेंड सेमेस्टर है फोर्थ है सिक्स है कौन सा है लिख लिया फिर आप अपना एज लिखिए अब और आप यहां लिखिए कि ईयर ऑफ ग्रेजुएशन क्या है कि आपकी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन किस साल में आप ग्रेजुएशन खत्म कर लोगे इन विच ईयर यू विल कंप्लीट योर ग्रेजुएशन लिख लिया आपने राइट right? आप नीचे लिखिए कि व्हाट यू वांट टू बिकम जो भी आप ही दिमाग में है आपके डोंट बी सेंटिमेंटल अबाउट इट बनना तो पता नहीं क्या है सर जो मर्जी आपने बनना है जस्ट लिख दो यहां पे आप कोई इतनी सीरियस होने वाली बात नहीं भावना है भावनाएं बदलती रहती हैं गोल बदलते रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप आई बनना चाहते हैं कल को कुछ और बनना चाहेंगे डजेंट मैटर बट लेकिन एक एट सिंगल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम शुड भी क्लियर कि हाँ मैंने अब ये करना है आपने एम करनी है वो लिख दो आपने स्टार्टअप करना है वो लिख दो आपने आई करना है वो लिख दो ठीक है जैसे इन्होंने रोहित जी ने बताया कि एवरेज ये ट्वेंटी वन ईयर्स है तो कोई बीस होगा कोई उन्नीस होगा कोई इक्कीस होगा ऐसे होगा अब आप लास्ट में लिखिए ईयर ऑफ सेटलिंग डाउन लास्ट जो लास्ट लाइन में ईयर ऑफ सेटलिंग कब आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाए मतलब जो गोल है आपको वो अचीव कर लें माइट ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर यही लिख दो एट द एज ऑफ ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री क्या चाहते हो आप अट्ठाईस साल की उम्र में सेटल होना नहीं ना सताईस साल छब्बीस पच्ची चौबीस सोच रहा हूं तो पड़ेगा ना ये बात किस ईयर में आप सेटल डाउन होना चाहते हो किस एज में चलो तेईस लिख लो बाईस लिख लो तेईस लिख, लिख लो चलो लिख लो नहीं मैं नहीं कह रहा आपने नहीं सोचना लिख लिया आपने सबने सीरियसली लिख लिया अब काउंट करो कितने साल हैं आपके पास किसी के पास फोर होंगे किसी के पास थ्री होंगे किसी के पास टू होंगे तेईस में से एक साल तो निकाल दो बाईस ही रखो ना तो, तो लास्ट फिनिशिंग साल हो गया ना जिसने चार साल जिसके पास है वो तीन साल लगाए जिसके पास तीन साल है वो दो साल लगाए एक साल मैनेज कर दो इसमें से अब आपके पास क्या आ गया नाउ यू हैव दैट टाइम पीरियड क्रिटिकल टाइम पीरियड इन विच यू मे टेक सम एक्शन टू अचीव योर गोल अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो वो तेईस साल की फिगर लगाई है उसको आप चौबीस करते हो पच्चीस करते हो छब्बीस करते हो सताइस करते हो ये आप पे डिपेंड करता है किसी और पे नहीं अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम है यू हैव टू ईयर्स ऑफ लाइफ ट सेटल डाउन यू हैव थ्री इव फोर इन हाउ यूट दो अगर वो आप यूटिलाईज करते हैं टाइम थिंक यू वाट यू कैन बिकम अगर आप तेईस साल की उम्र में आईएस बन गए ना चाहे आप तेईस साल की उम्र में आई आएं एस से एमबीए कर सकते हैं या आपने बाईस तेईस साल की उम्र में स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया यू विल नॉट यू कांट इमेजिन कि आप क्या बन सकते हो लाइफ में वही अगर आप यही काम आप छब्बीस सताइस साल में करो तो तो वैसे खर्च हो चुके होते हो तेईस साल की उम्र में आइए इसका मतलब ये है यू हैव चांस टू रिमेन एज कैबिनेट सेक्रेटरी टू कमेंट फॉर एट लीस्ट सेवन एट ईयर्स आप अगर स्टेट में चीफ सेक्रेटरी बनते हैं तो आठ साल कुर्सी छोड़ोगे नहीं अपनी अगर आप बाईस तेईस साल की उम्र में आई बन जाओ मतलब इट्स अ बिग थिंग यू आर रनिंग अ स्टेट एक्चुअली एंड कैबिनेट सेक्रेटरी रन द कंट्री मतलब आप एक साइन करो वही हो जाता है हु नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेक्रेटरी एजुकेशन हु पॉलिसीज मतलब आपके सी, टैंप एंड सील के अंदर पॉलिसीज़ निकलती हैं इंडिया में जो पूरी कंट्री को अफेक्ट करती हैं नॉट अ स्मॉल थिंग और उस पोजीशन पे सात साल रहना मीन समथिंग और वही अगर आप अट्ठाईस साल की उम्र में गए तो आप वहां तक नहीं पहुँच पाओगे कभी भी वहाँ तक आपके पास जाने की ऑपरचुनिटी नहीं होनी यू विल मैक्सिमम रिटायर एज सेक्टरी टू गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एनी स्टेट गवर्नमेंट यू में नॉट इवन बिकम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बिकॉज कोई आपसे यंग कर बैठा है जो कुर्सी पकड़ के बैठा है आपकी बारी आने ही देगा वो है फ्रेंड ही डेड ही केम एन टू आई आर एस हमारे साथ तैयारी करते हैं तो बाईस साल की उम्र में ही इंपॉर्टेंट टू आई आर एस अब दैट पर्सन इज गोइंग टू रिमेन एज चेयरमैन ऑफ सीबीडि और एटलीस्ट सेवन एट ईयर्स अब बनने वाला है बस एंड सेवन एट ईयर्स तक वो सीबीटी का चेयरमैन रहेगा और छोड़ेगा नहीं कुर्सी और पिछले जो पांच छह बैचेज सब रोएंगे किसी के बारे में नंबर ही नहीं लगना एक बार उसने पकड़ ली कुर्सी तो इट्स टाइम इज अ क्रिटिकल एलिमेंट तो आप जो अब यहाँ पे हैं यू आर डूइंग ग्रेजुएशन तो अलोंग विद ग्रेजुएशन हाउ कैन यू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल दैट इज अ क्रिटिकल थिंग डिसीजन इज योर्स किसी और का नहीं है योर पेरेंट्स का नहीं है मेरा नहीं है ये आपका डिसीजन है कि आप अपने टाइम को अगले एक साल या दो साल या तीन साल कैसे यूटिलाइज करते आई एम गोइंग टू गिव यू टिप्स कि कैसे तैयारी करनी है आपको कैसे तैयारी संभव है हमारे एक्सपीरियंस से जो बच्चों ने करी है थर्टी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड हाउ इट इज पॉसिबल इट कैन भी डन बट इन वट वे इट कैन भी डन ना देन इट इज अप टू यू टू टेक इट खाने पीना आपका काम है करके देखते हैं करते हैं विंडो ठीक है आप नहीं कर पा रहे हो ये नंबर है यहाँ टेक्स्ट करो मैसेज करो वी विल हेल्प यू लेकिन ये जो वक्त है इसको यूटिलाइज तो आपको करना पड़ेगा एंड आप ये कह के बच नहीं सकते यू कैनोट स्केप फ्रॉम इट किया पास टाइम नहीं था सेशन आ गए पेपर आ गए ये आगे अरे यार क्या होते हैं पेपर क्या होते हैं सेशनल आपको भी पता है मेरे को भी पता है एक रात पहले सेशन के लिए पढ़ते हैं हम कौन से सेशनल और कौन से पेपर कोई बीस क्वेश्चन तैयार करने होते हैं पेपर क्लियर हो जाते हैं ये इनके नंबर थोड़ी काम आने हैं नंबर तो वो काम वो आने चीज जो आपने तैयारी में अपना टाइम यूटिलाइज किया रिजन डेट यहाँ पेपर में आपके सत्तर से बहत्तर नंबर आ गए या पैंसठ रह गए साठ रह गए क्या कौन पूछता है कोई नहीं पूछता आपके एट्टी परसेंट है सेवेंटी परसेंट है, है, है? नाइनटी परसेंट है पढ़ते रहे किताबें क्योंकि हमारी नहीं है वो <laughs> तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ आप तैयारी कैसे स्टार्ट करें देखिए फर्स्ट थिंग लिखो आप साथ साथ में लिखते जाना पॉइंट ये क्योंकि मैं एबस्ट्रेट बोलने का मतलब नहीं ऑल आर स्टूडेंट्स And you want to do something, ना? आप कुछ करना चाहते हैं तो एक आपके पास रेसिपी होनी चाहिए कि हाँ मुझे कैसे करना है इसको राइट right? तो देखिए फर्स्ट थिंग प्रैक्टिकल चीज है यू हैव टू प्लान से आप देखिए बाकी हैं आपके पास छह सेमेस्टर है? हैं आठ सेमेस्टर्स हैं या कितने सेमेस्टर बाकी हैं वो लिख लो आप प्लानिंग हमेशा सिव इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी भी सेमेस्टर कॉलेज में सेमेस्टर वाइज होनी चाहिए यू हैव टू फिक्स टारगेट्स फॉर अ पर्टिकुलर सेमेस्टर डोंट प्लान फॉर अ वीक डोंट प्लान फॉर अ मंथ डोंट प्लान फॉर फिफ्टीन डेज नो डोंट प्लान फॉर नेवर प्लान फॉर डेली डेली प्लानिंग वाला इरा गया आपको अपने आप को प्रॉमिस करना है कि ये मेरा सेमेस्टर है एंड इन दिस सेमेस्टर माई टारगेट्स आर दिस

आपको टाइम की सेंसिटिविटी ज्यादा है या टाइम निकल गया तो क्या होगा तो आपको सेमेस्टर वाइज प्लान करना है इसके अंदर नंबर वन आप सेमेस्टर वाइज कैसे प्लान करना है देखिए यूपीएससी की तैयारी और रेफरेंस लेता हूँ मैं एंड सिमिलरली अगर किसी का और कोई गेम गोल है तो वो अपने लेवल पे वो वेफ्रिकेशन कर पाएगा देखिए सिविल सर्विस प्रिपरेशन के अंदर जनरल स्टडीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट इन जनरल स्टडीज देर आर फाइव मेजर एरियाज़ लिख लीजिए इंडियन पॉलिटी इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री जोग्राफी एंड साइंस ये पांच मेजर एरियाज हैं बाकी माइनर एरियाज हैं फाइव मेजर एरियाज फाइव बाकी आपके माइनर एरियाज हैं ठीक है अब आपके पास चार सेमेस्टर हैं या पांच हैं आपने हर सेमेस्टर में एक मेजर एरिया करना है जैसे एक सेमेस्टर आपने फिक्स कर लिया कि इसके अंदर मैंने पॉलिटी करनी है आगे बताऊंगा मैं बट सेमेस्टर नंबर वन आज से आपका सेमेस्टर नंबर वन स्टार्ट होता है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जितना भी टाइम आपके पास बचा है आपको हर सेमेस्टर में एक जीएस का सेक्शन करना ज्यादा लोड नहीं लेना आराम से करना राइट right? इसके बाद हमारे कई सारे माइक्रो सेक्शन माइनर सेक्शंस हैं छोटे छोटे एनवायरमेंट हो गया आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया फिर आपका सोशल इश्यूज हो गया फिर इंटरनेशनल रिलेशन हो गया सिक्योरिटी हो गया तो एक मेजर सेक्शन हम हर सेमेस्टर में करेंगे और एक माइनर करेंगे बस इतना सा एक मेजर और एक माइनर तो सेमेस्टर के अंदर हमने दो चीज़ें करनी है बस एक मेजर सेक्शन से एक माइनर सेक्शन का उतना टारगेट बनाना है अपना राइट right? जो हमारा टू प्लस वन थ्री प्लस वन कोर्स है जो हम चलाते हैं ग्रेजुएशन के सबसे जो हमारा फेमस कोर्स है बिकॉज वी हैव अ यूनिक दैट कोर्स जो जनरली आप देखेंगे इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि ग्रेजुएशन कम सिविल सर्विस कोर्स से कहने का होता है वो बेसिकली वही जो वन ईयर कोर्स है उसी में बच्चे बिठा देते हैं और वही चलता है सिस्टम उतना कुछ अलग से है नहीं है तो वी वे वेरी ब्रॉडर वेरी वास्ट इको सिस्टम फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स विच इज सेपरेट फ्रॉम द स्टूडेंट्स देर ग्रेजुएशन अलग है बिल्कुल उस इको सिस्टम में यही हम कहते हैं कि सेमेस्टर में आपका एक टारगेट है बस अब आपके सेमेस्टर में अगर पाँच महीने इफेक्टिव फाइव मंथ्स आर देर तो आप चाहे वो टारगेट दो महीने में पूरे कर लो चाहे तीन महीने में करो चाहे चार महीने में करो बट वो टारगेट हमें पूरा करना है और एक मेजर सेक्शन और माइनर सेक्शन आई थिंक इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू कम्पलीट हम फिक्स नहीं करते कई बार हम सोचते हैं कि कब कर लेंगे तब कर लेंगे अरे यार मुझे इस सेमेस्टर में करने है तो करना है मुझे अगर सेमेस्टर में मुझे टास्क कंप्लीट करना है तो करना है अगर आप ऐसे करके चलोगे यू विल हैव अ सेटिस्फेक्शन विद इन योर सेल्फ कि हाँ यार सेमेस्टर में मेरा हो जाएगा और कर भी लोगे आप देखना बच्चे कर लेते हैं मैंने देखा कि स्ट्रेटजी से बच्चे कर लेते हैं डेफिनेटली बच्चे कर लेते हैं इसमें नो थिंग सेकेंड थिंग इज प्रेफरेबली आप डेली पढ़िए डेली इतना टारगेट मत लगाओ कि आप उसको कंप्लीट ना कर पाओ अगर आप सेकेंड ईयर में हो अगर आप दो से तीन घंटे भी डेली सिविल सर्विस प्रिपरेशन को देते हो यू आर वेरी मच कंफर्टेबल अगर आप थर्ड ईयर में हो तो चार घंटे डेली लगाओगे अगर आप आप ये टारगेट जो मैंने दिया आपको कंप्लीट कर पाओगे जो फाइनल ईयर में है उनके लिए स्ट्रेटजी डेफिनेटली लग रहेगी या तो वो तैयारी कर चुके हैं पहले पिछले सालों में अगर नहीं अभी स्टार्ट करनी है तो वो एक तैयारी उसकी बात मैं एंड में करूंगा थोड़ी सी बस क्योंकि तो प्राइमरली आई बीन टू एड्रेस दी ग्रेजुएशन है सर्विस कोर्स दैट लॉजिक कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो अपने पढ़ाई के साथ साथ तो सेकेंड ईयर में हो फर्स्ट ईयर में हो आप दो घंटे तीन घंटे भी डेली लगाओ आपका आराम से पूरा होगा मेजर सेक्शन और माइनर सेक्शन तो आप लिखिए डेली अब आप सेकेंड ईयर में है तो लिखिए टू टू थ्री आवर्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू टू थ्री टाइम बीच में गैप्स भी आएंगे देखो है ना क्योंकि कोई सेशन आ गए तो हफ्ता उसमें चला गया तो कोई फेस्ट आ गया उसमें तीन चार दिन चले गए जाओ डोंट कॉम्प्रोमाइज विद एनीथिंग बट यूज योर वीकेंड्स संडे छुट्टी आपकी उसको आप उस दिन आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकते हो लेकिन वीकली एवरेज कंप्लीट करो अपनी कि अगर एक हफ्ते में चौदह या पंद्रह घंटे पढ़ना है मैंने तो उतने पंद्रह घंटे लगाने हैं मैंने आप ऐसे देखोगे ना बड़ा अचीवेबल लग जाएगा पंद्रह घंटे आपने लगाए एक महीने में साठ घंटे हो गए दो महीने में एक सौ बीस घंटे एक सौ बीस घंटे में मेजर बैर मेजर सट अच्छे से कवर होता है आपके पास तो पाँच महीने हैं बीच में गैप्स को अकाउंट फॉर करके आप डेढ़ सौ घंटे आप एक सेक्शन पर आराम से लगा सकते हो एंड इन वन फिफ्टी आयर्स यू आर यू विल एबल टू कंप्लीट अ मेजर सेक्शन प्रॉपरली ठीक है उट ना कम टू थर्ड पॉइंट ना थर्ड इज वैन प्रिपेयरिंगशन ऑफ जनरल स्टडीज मुझे ये complete कर लेना. Complete कभी नहीं होता वो आपको बस ये करना है कि अगर मैं पॉलिटिक कर रहा हूं ये मेरा टेक्स्ट है ये मेरी एनसीआरटी है ये मेरी किताब है अगर कोई कोचिंग ले रहे हो तो ये मेरे लेक्चर्स हैं मेरे को यह तीन चीजें कवर करनी है मुझे पेपर से कोई लेन देना नहीं है अभी मुझे पेपर से कोई लेना देना नहीं अभी अभी सेकंड ईयर में नहीं सोचना शुरू कर देना प्री में क्या आता है मेंस में क्या आता है अगेन अ वेरी अभी तीन साल वाला पेपर देना है आपने पता नहीं तब क्या आएगा आपको पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट करनी है भाई उसके लिए आपने ये किताब पढ़नी है ये लेक्चर सुननी है या ये दो किताबें पढ़नी है या ये लेक्चर के साथ ये किताब पढ़नी है बस उतना फिक्स कर लेना एक बार एंड उसी को कंप्लीट करना है कन्फ्यूजन नहीं देना माइंड ब्रेन को वन यू अ कॉन्ट्रोडिक्टी मैसेजेस टू येन ब्रेन गेट्स कन्फ्यूज जैसे आप अभी मुझे अभी भी कहो कि दो रातें आपने सोना नहीं है आई कैन मैं बिना सोए दो रातें निकाल सकता हूँ आराम से थैंक्स टू सिविल सर्विसेज बट लेकिन अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विस इट्स ऑल्सो टेक्निक क्लियर कट मैसेज टू ये मैंने ये अचीव करना है ब्रेन कन्फ्यूज नहीं होता ये आप जिंदगी में देखेंगे आप इंजॉय करेंगे इस चीज को कि वंस यू डिवेलप हैबिट ऑफ अ क्लियर गिविंग अ क्लियर मैसेज टू योर ब्रेन, योर ब्रेन स्टार्ट्स फंक्शनिंग वेरी इफेक्टिवली हम हमेशा कॉन्ट्रिक्टी मैसेज देते हैं ब्रेन को पिक्चर देखने जाना नहीं जाना साथ ही में दोनों चल रहे होते हैं द्वंद मैं इसकी तैयारी करूं नहीं करूं मैं वहां जाऊं नहीं जाऊं वाई टू थिंक नेगेटिव अरे भाई जाऊं मैंने पिक्चर देखनी है देख लो तीन घंटे की बात ही है क्यों कॉन्ट्रेक्ट कर रहे हो ब्रेन को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो ब्रेन को तीन घंटे जब आप कॉन्शियसली पिक्चर देख के आओगे तो बाद में पढ़ लोगे आके आराम से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर कंफ्यूज होकर जाओगे तो ब्रेन पिक्चर देखते हुए कंफ्यूज रहेगा गालियां देता रहेगा वो बैकग्राउंड में बर्बाद कर दिया क्या कर रहे हो जिंदगी में कुछ नहीं बनना तुम्हारा इट हैपन्स विथ ऑल ऑफ अस चाहे कोई 80 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति है चाहे मैं हूं चाहे आप हो सबके साथ ये होता है इट हैपन्स मोर इन इंडिया दैट इज व्हाई सम टाइम्स वी आर नॉट एबल टू अचीव दैट मच जितना हम अचीव करना चाहते हैं या कर सकते हैं जितना हमारा पोटेंशियल है द इकोसिस्टम नेवर Tells us this thing की बी क्लियर बंक मारना है बंक मारो फिर गिल्ट आएगी अंदर से बंक मारा क्यों भाई बंक मारा मेरी मर्जी मैंने नहीं जाना क्लास में इसका मेरे गिल्ट से क्या कनेक्शन मैं यहां पढ़ने आया हूं क्लास अटेंड करने आया हूं पढ़ लूंगा मैं पढ़ देन व्हाट पढ़ना ही है ना पढ़ लेंगे इसका क्लास वारने से क्या ताल्लुक वाई आई एम फील्डिंग गिल्टी अबाउट इट मैं ये नहीं कह रहा कल को सारी भांग मारने लग जाओ <laughs> एक बात है मैं जस्ट एक आपको टिप दे रहा हूं कि अगर आपने सक्सेसफुल होना लाइफ में तो आपको ब्रेन को क्लियर कट मैसेज देना आना चाहिए जो एक ख्याल दिमाग में आ रहा है उसको रैशनलाइज करना आना चाहिए कि नहीं ये नहीं ये है हो जाता है धीरे धीरे एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है ये धीरे धीरे आप जब इसको इंजॉय करने लग जाओगे देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कितनी यूजफुल चीज है ये right? राइट तो थर्ड जो मैंने आपको बात बताई है स्टडी मटेरियल की कि योर स्टडी मटेरियल शुड बी फिक्स्ड हम आपको लिंक्स भी भेज देंगे अपने मेरे लेक्चर्स हैं हर जीएस के सेक्शन के कि इसमें से क्या पढ़ना है आपको बड़े टेक्निकल लेक्चर हैं महाबोरिंग लेक्चर है लेकिन एक घंटा आपने सुन लिया तो मारने खाओगे आप क्योंकि वी आर नॉट परफॉर्मर्स वी आर टीचर्स वी आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स की बात एक घंटे कर रहे हैं उसमें से काम की बात पाँच मिनट की है हम अगर एक घंटे की बात करेंगे वो चार घंटे के बराबर है तो बोर तो होनी है थोड़ी सी तो स्टडी मटेरियल शुड बी फिक्स सबसे क्रिटिकल बात है क्योंकि यही कंफ्यूजन आती है कोई कहता है ये पढ़ लो कोई कहता है वो पढ़ लो कोई कहता है वो पढ़ लो हम इसी कंफ्यूजन में सेमेस्टर निकाल देते हैं लक्ष्मीकांत उठाते हैं कोई कहता है लक्ष्मीकांत तो बेकार है इसमें से कुछ आता नहीं तो डी डी उठाते हैं यार डीडी बासु समझ नहीं आ रही है क्या कैसी लिखते हैं लेक्चर उठाते हैं तो पता लगता है यार ये लेक्चर नहीं वो लेक्चर देख लो अरे यार पढ़ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है फिक्स करो एक बार कि हाँ ये पढ़ना है आगे देखेंगे कौन सी तैयारी खत्म हो गई है तो step, इसको हम बोलते हैं ये थर्ड तीन बातें होगी चौथी ऊपर योर प्रिपरेशन विल बी स्टेप्ड प्रिपरेशन सो स्टेप्ड प्रिपरेशन एस टी ई डबल पी ई डी स्टेप्ड प्रिपरेशन लिखो प्रिपरेशन तो ये जो आप करोगे सेमेस्टर के अंदर दिस इज योर फर्स्ट स्टेप विच कॉन्स्टिट्यूट योर ऑफ सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ योर प्रिपरेशन जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे उसके बाद आपको जो फाइनल ईयर लगाना है एक उसमें नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट करना है विच वी कॉल एज एडवास्ड प्रिलीम मेन्स प्रिपरेशन उसमें क्या है फिर पॉलिटी आप एक अगेन उसमें एक इनपुट दोगे इंप्रूवमेंट की हिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट दोगे तो वो जो गैप्स हैं वो एंड में आपके फुलफिल होने अभी आपको हंड्रेड परसेंट पॉलिटी नहीं करने की जरूरत नहीं करनी भी नहीं है नहीं होगी भी नहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगा एंड यूर नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग फिक्स करो अपने टेक्स्ट की यार ये पढ़ना है ये पढ़ना है ये पढ़ना है उसको कंप्लीट कम्प, करना है और आराम से होगा देखना बिकॉज तो क्ल, इज क्ल, क्लियर मैसेज यू आर गिविंग टू तो ब्रेन इतना कंप्लीट करना है मेरे को पांच महीने में ब्रेन करेगा तो आपने आपने कॉलेज खत्म किया उसके बाद एक साल जो आप लगाओगे तैयारी के अंदर उसमें आप करोगे एडवांस्ड प्रमेट मेन्स कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेकिंग टू अकाउंट द प्रेजेंट पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में उसमें एक फोकस्ड एडवांस्ड प्रिपरेशन इज मस्ट वो एडवांस प्रिपरेशन ये नहीं है कि आप एक और किताब हम आपको दे देंगे कि ये किताब पढ़ लो दैट एडवांस प्रिपरेशन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फोकसिंग ऑन सर्टन टॉपिक्स प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन वो एक अलग डोमेन बन गया डोमेन कि आपने एक बार पॉलिटी तैयार कर ली उसके ऊपर जो एडिफिस के ऊपर खड़ा होगा वो एक एडवांस प्रिपरेशन को चीज़ होगी जिसको 20-25 दिन लगेंगे जिसमें आप मेंस की इंटेंसिव राइटिंग करोगे एम सी की प्रैक्टिस करोगे स्पेसिफिक टॉपिक्स को फोकस में रख के अकॉर्डिंग टू द एग्जाम की एग्जाम में क्या आता है उसमें एडवांस पढ़ोगे आगे और तब जाके तैयारी आपकी मुकम्मल या कम्प्लीट होती है आप सोचोगे कि ये जो पॉलिटी पढ़ ली उससे मेरी कोई पेपर क्लियर हो जाएगा नहीं सोचना भी नहीं है ऐसा कई बच्चे ये गलती करते हैं पॉलिटी कर ली फिर मेन्स की राइटिंग करने बैठ गए आता कुछ भी नहीं है पेपर देखा अरे इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा हमारे को कैसे आएगा यार यूपीएससी पेपर आई भाई वो सिर्फ पॉलिटिका सेक्शन जो है वो पॉलिटिका पढ़ के नहीं होना लॉट ऑफ क्वेश्चन आर मल्टी कि पॉलिटी और इकोनॉमी मिक्स है पॉलिटी और ज्योग्राफी मिक्स हो गई ज्योग्राफी और हिस्ट्री मिक्स हो गई तो वो जब सारे सेक्शन आप जीएसटी कर लेते हो तब आप उस लेवल तक पहुंचते हो कि आप उस, उस लेवल की सोच आप डेवलप कर सको दैट इज एडवांस्ड मेन प्रिपरेशन उसी तरह से एडवांस प्रिलिम प्रिपरेशन है जिसके अंदर ये नया मॉडल है जो हमने डिवाइस uh, किया इन द लास्ट वन टू ईयर्स दो साल के अंदर हमने ये मॉडल तैयार किया जिसको हम स्लिम स्ट्रेटजी बोलते हैं स्ट्रेटजिक लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट मॉडल तो जो आप ये तीन साल में कर रहे हो ये स्ट्रेटजिक लर्निंग है उसके बाद इम्प्रूवमेंट मॉडल चलता है आपका जो आपका आपको एडवास्ड मीन्स प्रिपरेशन कराता है देन यू बिकम रेडी कि हाँ यस नाउ आई कैन अपियर इन द एग्जाम तो स्टेप प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि फर्स्ट स्टेप में सब कुछ कंप्लीट कर लेना दिस विल गिव यू फ्रस्टेशन नथिंग एल्स आपको फ्रस्टेशन ही देगा ठीक है जी नेक्स्ट फोर फिफ्थ पॉइंट इज यू हैव टू बी अवेयर ऑफ यूट्यूब व्हेन वेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजी इट इज एडवाइजेबल दैट यू शुड रेफर टू ऑथेंटिक सोर्स डोंट लिसन टू लेक्चर्स विच आर देयर इन यू ऑन स्ट्रेटेजी ऑथेंटिक बैकग्राउंड आपको कई लेक्चर्स मिल जाएंगे प्रिलिम के जिसका खुद का प्रिलिम है वो प्रिलिम की स्ट्रैटी बता रहे हैं बता सकता है मैं नहीं कह रहा नहीं बता सकता लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी क्या पता है ऑथेंटिसिटी क्या पता मेरा प्री नहीं हुआ ठीक है डजेंट मैटर आई कैन लर्न फ्रॉम इट आई कैन बिकम अ गाइड बट एम आई ऑथेंटिक मैंने दिल से सोचा है कि हाँ क्यों नहीं हुआ और मैंने कैसे इसको करना है यह मैं एक पॉपुलिस्ट फ्रेमवर्क में बच्चों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं तो ओथेंटिसिटी समटाइम्स नॉट एस्टेब्लिश्ड तो इट इज रेफर टू सजेशन मेरा या एक सजेशन किसी और का आपकी लाइफ बदल सकता है एंड आपके माइंड में क्या कंफ्यूजन आ जाए पता ही नहीं तभी हम कहते हैं कि एक हमारे इंस्टीट्यूट में कहावत है कि ओनली यू कैन मेक योर सेल्फ सिबल सर्वेंट आज की डेट में क्या है आप इंपॉर्टेंट हो बिकॉज यू आर दट डिसीजन इज नॉट इन योर हैंड नाउ यू आर एक्सपोज टू सो मच इंफॉर्मेशन कि आप वो इंफॉर्मेशन कौन से चूज़ करते हो ये आप पे डिपेंड कर रहा है आज से सात आठ साल पहले तक हम हम इंपॉर्टेंट ज़्यादा थे वीवर टेलिंग स्टूडेंट की ये पढ़ो और कुछ बच्चा पर पढ़ेगा ही नहीं ये टेस्ट दो उसने देना है सर ये किताब पढ़नी है पढ़ लो वो हमसे आके पूछे कौन सी किताब पढ़नी है नेट पे तो मिलनी नहीं कोई हमने बतानी है ये पढ़ हमने बताना उसको ऐसे इंप्रूव कर आज की डेट में क्या है आप मेरी बात सुनोगे दस वीडियो के लेक्चर दस यूट्यूब के लेक्चर और सुनोगे एंड ऑफ गेटिंग कन्फ्यूज ये होता कभी हुआ आपके साथ कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है आपको सोचना है खुद लॉजिकली कि हाँ क्या ठीक है आपके लिए एंड यू कैन कंसल्ट ऑथेंटिक पर्सन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं एम्फरसाइज कर रहा हूँ बट बिकॉज आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स वेस्टिंग देयर पोटेंशियल बाय गेटिंग स्पूरियस इंफॉर्मेशन स्पूरियस इंफॉर्मेशइस और उस रास्ते चल पड़ते हैं बहुत पड़े लेक्चर दे आर नॉट टीचर्स हु आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी कैपेबल ऑफ गाइडिंग उनके लेक्चर देखो ना वो कभी गलत नहीं बोलेगा टीचर बिकॉज इज नॉट अंसर इज अ टीचर तो इसमें अब ये बात हो गई ठीक है अब उसके तो बेसिकली इस जो सारी बात है ये मैं अगर बॉयल डाउन करूं तो ये स्ट्रैटी क्या बन जाती है आइदर इट इट बिकम्स अ स्ट्रेटजी ऑफ थ्री प्लस वन कि तीन साल आप ग्रेजुएशन में लगा रहे हो और एक साल आप एडवांस कोर्स में लगा रहे हो ठीक या ये बन जाती है टू प्लस वन कि दो साल ग्रेजुएशन के थर्ड इन फाइनल ईयर प्लस समझ आ रहा है या ये बन जाएगी वन प्लस वन कि एक साल आप ग्रेजुएशन के अंदर लगा रहे हैं और एक साल एडवांस लगा रहे हैं वो जो एक साल एडवांस है दैट इज क्रिटिकल कोई बच्चा बहुत मेहनती है वो फाइनल ईयर को भी अपना प्लस वन बना सकता है ठीक है लेकिन वही प्रॉब्लम आएगी कि फाइनल ईयर में आप एग्जाम दोगे तो वही फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम भी होंगे और साथ में यूपीएससी का एग्जाम भी होगा तो क्लैश करेगा हमेशा मई में आपका यूपीएससी का प्रॉब्लम होता है एंड इन मई ओनली योर फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम सा देर तो आप टू प्लस वन को थ्री प्लस वन को वन प्लस वन को जिस तरह से मर्जी देखें यू कैन ऑलवेज सी बट योर प्रिपरेशन हैज टू बी अलाइंड अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजी इफ यू आर इन टू ग्रेजुएशन इस तरह से आप सेमेस्टर वाइज प्लानिंग करोगे स्टडी मटेरियल को फिक्स करोगे आप इतने रिलैक्स फील करोगे कि आपकी तैयारी बिल्कुल स्मूथली चलेगी और सिविल सर्विस प्रिपरेशन डेफिनेटली सी बहुत लोगों का ड्रीम हो सकता है ये और इसमें कोई ड्रीम होना कोई बुरी बात भी नहीं है दिज आर दन वन ऑफ द मोस्ट प्रसीजियस पोस्ट इन अवर कंट्री सिविल सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली रनिंग दिस कंट्री

सिविल सर्वेंट जब एक रोल परफॉर्म कर रहा है तो उसका एम प्रोफिटरिंग नहीं है हम कहते प्राइवेट सेक्टर में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है लोग इक्वली इंपॉर्टेंट है बट उनका रोल उनका जो एम है वो प्रोफिटरिंग तो है ही ना तो सिविल सर्विस ऑफ दिविल मशीनरी ऑफ सिविल सर्विसनेटली योर एम इज टू बेनिफिट पीपल बेनिफिट द सोसाइटी वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी इकोनॉमिक कॉस्ट आपके दिमाग में सेकेंडरी है तो so तो so अगर आप इसको एम बनाते हो सिविल सर्विस को मैं इतना जरूर चाहूंगा कि तैयारी फिर अभी से स्टार्ट करें इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग आफ्टर ग्रेजुएशन तो तीन चार साल आप दो साल की तो तैयारी लगा दोगे आप बाईस तेईस चौबीस साल में प्रीलिम्स दोगे नहीं होगा हो जाए बहुत अच्छा अगर नहीं हुआ तो पच्चीस साल छब्बीस साल कब छब्बीस सताइस के आपको हो गए पता भी नहीं लगेगा कब छब्बीस सताईस के हो गए पता ही लगेगा वो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा शायद आप भी नहीं चाहोगे वो कि छब्बीस साल सताइस साल के पेपर टाइम पे पेपर दे रहे हो लेकिन उसको उससे बचने का ओनली दर इज वन वे दैट यू जो आपने पेपर में लिखा है कि माई सेटलिंग एज ट्वेंटी थ्री एंड प्रेजेंटली आई एम नाइनटीन तो मेरे पास चार साल है या मेरे पास तीन साल है वो तीन साल कैसे डिवाइड कर रहे हो आप अगर वो नहीं डिवाइड करोगे आप तीन साल देन यू आर हेडिंग फॉर ट्रबल ठीक है जी तो दिस आर द फ्यू थिंग्स विच आई टू एम्फरसाइज कितना टाइम है हो गया टाइम अच्छा आपका टेस्ट जो है वो बारह बजे है टेस्ट का हमने आपको बता दिया होगा टेस्ट हमने एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी टाइप ही रखे हैं थोड़ा टफनेस लेवल कम रखा है कुछ लेवल टफ भी होंगे जिन्होंने तैयारी कर रखी होगी वो भी सोचेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है वो यूपीएससी दर्शन है लेकिन आपको आते भी होंगे क्वेश्चन तो एक बैलेंस टेस्ट हमने रखा है बट टाइप ऑफ क्वेश्चन दो जो आजकल पेपर में आ रहे हैं जिस तरह के तो जस्ट जर द फ्यू थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू शेयर अब बाकी आप क्वेश्चन पूछे अब मैं आई विल टू टेक मिनट्स मोर कि आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन रिगार्डिंग सिविल सर्विस गोल या आपकी तैयारी कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको या कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में फ्री टू आस्क कुछ भी पूछिए आप हाँ जी ओके देखिए ऑप्शनल सिलेक्ट करने का क्या तरीका क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग इज यू आर डूइंग इंजीनियरिंग शुड आई कीप इंजीनियरिंग ए सब्जेक्ट और नॉट रिमेंबर वन थिंग नाव यू हैव ओनली वन सब्जेक्ट विच इज ऑर फाइव हंड्रेड मार्क्स ठीक है आप इंजीनियरिंग कर रहे हो अगर वही सब्जेक्ट इंजीनियरिंग का आपके सिलेबस यूपीएससी में है तो यू फर्स्ट एक्सप्लोर दैट सब्जेक्ट क्या मैं ये रख सकती हूँ क्योंकि वो आप वही ग्रेजुएशन में आप पढ़ भी रहे हो साथ में वो तैयारी भी हो जाएगी उसके लिए क्या करना है आपको यू हैव टू सी द लास्ट फाइव ईयर पेपर्स ये जो पाँच साल में क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के आ रहे हैं क्या वो अपने सिलेबस में कवर कर रहे हो आप आई कैन अश्योर यू देखिए जमाना बदल गया ये पहली वाली पुराने बंदे से किसी से पूछोगे तो कुछ भी बोल देगा आपको 500 नंबर का सिर्फ ऑप्शनल है अगर आप अपनी ग्रेजुएशन वाला रख सकते हो नथिंग लाइक इट साथ में तैयारी होती जाएगी उतने ही नंबर आने तीन सौ नंबर लेने हैं ढाई पाँच सौ में से ढाई सौ से तीन सौ के बीच में आने हैं तीन सौ के नंबर आने हैं आप वो हिस्ट्री सोशियोलॉजी पब्लिक एट पोल साइंस रख लोगे उसमें भी उतने आने हैं इसमें भी इतने आने हैं चलिए एक सिचुएशन ये बन गई कि आप रख सकते नहीं रख सकते चेक करो पहले अगर आपको मन नहीं है बिल्कुल रखने का कि मैं तो धक्के से मेरे को सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है जो मैं करना चाहता नहीं लेकिन मेरिट वाई तो मिल गया तो कर रहे हैं या कंप्यूटर मुझे मिला हुआ है कि लेकिन कंप्यूटर तो सब्जेक्ट ही नहीं है अगर ऐसी देन देर आर फ्यू ह्यूमनिटी सब्जेक्ट्स उनमें से आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे चूज़ कर सकते इस पर भी मेरा लेक्चर है एक ऑर्गेनाइज लेक्चर है थर्टी मिनट्स का फोर्टी फाइव मिनट्स का वो आपको लिंक आ जाएगा कोई है आपके लिंक भेजने के लिए प्रोसेस है प्रोसेस ले डाउन है ठीक नहीं तो आपका जो आप टेस्ट दे रहे हैं तो उस पर लिंक आपका आ जाएगा वहाँ लिंक हम डाल देंगे तो उसका आप उन सब्जेक्ट्स में से जैसे हिस्ट्री होगी सोशोलॉजी पब्लिक एड पोल साइंस जोग्राफी फ़िलासफी ये छः सब सब्जेक्ट्स हैं जो आजकल ह्यूमैनिटीज़ के रख लेते हैं कि ठीक है पाँच छः महीने में तैयार हो जाते हैं सर एनी सर बिल्कुल भी नहीं प्रोहिबिटेड ये सबसे बड़ा धोखा है अगर आप रोज सुबह उठ के आठ बजे के करंट अफेयर्स के लेक्चर सुन रहे हैं यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर आपने देना तीन साल बाद करंट अफेयर्स अभी तैयार कर रहे हो जब भी ऐसी बात आती है तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ जाता है जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ अराउंड फिफ्टीन ईयर्स बैक एक बच्चा मेरे पास आया जम्मू से आया था वो तो हाथ में तीन चार फाइलें मोटी मोटी पकड़ी हुई क्या ग्रेजुएशन कर रहा था बच्चा वो मिलने आया था कि मिलने जाना है तो मेरे को उसने टाके टेबल पे रखी सारी ये ये मैंने पढ़ा ये मैंने तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की और ये सारा कुछ है मैंने तैयार किया अभी सारा उसने करंट अफेयर अखबार पीस पीस के पता नहीं क्या नोट्स बना रखे थे क्या इंटरनेशनल रिलेशन क्या वो अभी है अभी पेपर देना तीन साल बाद लगा हुआ है पिछले पाँच साल से करंट अफेयर करने मैंने उसको बोला मैं कह बेटा तेरा काम तो बहुत अच्छा है लेकिन आई एम सॉरी ये यूपीएससी में पास्ट अफेयर्स नहीं आते करंट अफेयर आते हैं ऐसा क्या मतलब मैंने कहा अब ये प्रेसिडेंट साहब ने वहाँ विजिट किया पाँच साल बाद किसको याद करना है, है विजिट किया उन्हें पूरा उसके नोट्स बना रखे हैं दस दस पेज भर रखे हैं और रोने लग गया बेटा मैंने कहा नहीं चलो काम फिर मैंने उसको रिवर्स किया झूठ बोले पेट भर भर के संभालना भी तो था उसको मैंने नहीं काम तो आएगा हाँ ही इंटेक्ट तेरा डिवेल्प हो गया तेरा ये डेवलप हो गया तेरा वो डेवलप हो गया फिर पंद्रह मिनट लगा के मैंने अपनी सारी बातों को रिवर्स किया और फिर एक दिन गिल्ट में भी रहा पर मेरे को लगा ठीक है यार अब ठीक अब उसको रास्ते पर तो लाना ही था करंट अफेयर नहीं करना आपको करंट अफेयर फाइनल ईयर में ही करना है अभी करंट अफेयर का मतलब क्या है यू शुड बी अवेयर वट इज़ हैपनिंग नेशनली इंटरनेशनली कुछ कुछ चीज़ों के बैकग्राउंडर देख लो जो मेजर इवेंट हो रहे हैं जैसे इसराइल पेलेस्टीन का चल रहा है अब थोड़ा बैकग्राउंडर देख लिया रशिया यूक्रेन का चला यूक्रेन के क्या कौन सी कंट्रियां एक जस्ट अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट फ्रॉम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू मस्ट अप्रोच करंट अफेयर फ्रॉम अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू नॉट फ्रॉम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ ये नहीं है कि नहीं करना आधा घंटा लगाओ देखो क्या चल रहा है वर्ल्ड में इंडिया में क्या चल रहा है कोई इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग न्यूज है कोई कोई जिसका जिसमें बैकग्राउंडर है कोई स्टैटिक चीजें हैं वो देखो बस बट प्लीज़ वो जो सुबह आठ बजे नौ बजे करंट अफेयर के लेक्चर आते हैं डेढ़ डेढ़ घंटे के नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं सारे डोंट डिस्ट्रॉय आवर लाइफ फॉर देम उसका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है वो पॉपुलिस्ट इन्फ्लुएंसर बेस्ड लेक्चर्स होते हैं जिसका यूपीएससी से एटलीस्ट कोई लेना देना नहीं है ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आते भाई आपको अगर एविडेंस चाहिए तो खुद पेपर देख लो कि यू में करंट अफेयर के कौन से क्वेश्चन आते हैं हम वो फ्रॉड नहीं कर सकते ना यही तभी मैं करूँ यूट्यूब से थोड़ा बच के रहना है अब आओ देखोगे आप उस लेक्चर पे टेन थाउजेंड लाइव सारे वो ही बैठे हैं और लेक्चर सुनो हम ले, हम लेक्चर सुनते हैं हम यार क्या पढ़ा रहे हो आप यूपीएससी में तो आता नहीं ऐसा कुछ ना आ जाता कभी पहले आया तो प्लीज करंट अभी न्यूज़पेपर आप रहने दो ठीक है ना अभी आप सिर्फ अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से देखो नेशनल में कैसा लो में इन योर फाइनल ईयर ऑफ योर प्रिपरेशन यू कैन गो फॉर करंट अफेयर्स तब तक आपको समझ आ जा जाएगा कि करंट अफेयर्स पढ़ना क्या है ठीक है और कुछ वेरी गुड क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और गोल के बारे में जी हाँ 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 About, <laughs> नहीं, नहीं।, नहीं। बेसिकली इन सिविल सर्विस यू आर प्रोमोटेड इनार्किकल मैनर आप जैसे पहले एडीसी लगोगे आई बन गए आप तो पहले आप एडीसी लगोगे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या एसडीएम लगा देंगे आपको तो थोड़े टाइम के लिए दैट इज सेक्टर लेवल पोस्ट दट इज दर लेवल पोस्ट उसके इक्वलेंट सेट्रीट के अंदर आप एक अंडर सेक्रेटरी बन सकते हो आपके पास वेरियस फाइल्स आती हैं, जो आपने क्लियर करनी है ऑन वेरियस इशूज वेरियस विल बी दियर दट है आप डिप्टी कमिश्नर बनोगे डिप्टी कमिश्नर इज द डिप्टी सेक्रटरी लेवल पोस्ट समझे तो डिप्टी सेक्रेटरी के बाद आप फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनोगे ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद आपिशनल सेक्रेटरी बनोगे फिर आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनोगे प्रिंसिपल सेक्रटरी के बाद फिर आप चीफ सेक्रेटरी बनोगे टरी बन अगर आप चीफ सेक्रेटरी लैंड पे आ गए देन यू कैन बी प्रमोटेड टू या यू कैन गो फॉर कैबिनेट द सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप चाहे कहीं पे भी आप किसी भी सर्विस में एंटर करो आपको हर सर्विस हर पोजीशन अक्वायर करनी पड़ती है ग्रेजुअली एंड देन यू रीच एट दैट पोजीशन बस हैरान है कि आपका लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग बढ़ता रहता है लाइफ में अगर आप चीफ सेक्रट्री बन गए तो स्टेट में आप ओवरऑल इंपॉर्टेंट हैं आपने साइन करने काम हो गया अब आप अंडर सेक्रेटरी हैं तो आपके पास फाइल आएगी जो आपने आ, अपना नोटिंग देके आगे भेजनी है यू बिकम पार्ट ऑफ दैट एंटायर डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर आपका अपना रोल है एक कि अंडर सेक्रेटरी इस तरह की फाइल देखेगा और इस तरह की सजेशन लिखेगा फिर वो फाइल ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाएगी वो अपने सजेशन लिखेगा तो यू बिकम पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग है ना आप डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाते हो और फाइनल जो साइन होने हैं वो तो सेक्रेटरी के होने हैं ठीक है ऐसे आईपीएस में ऐसे आई में ऐसे डिफरेंट पोजिशन में यू मूव हायर इन द हायरार्की एंड योर पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कीप ऑन इंक्रीजिंग इन लाइफ तो ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन आपको कोई सेक्ट्री लगा देगा या पहले ही कोई दिन आपको कैबिनेट सेक्ट्री लगा देगा दैट इज बेसिकली यू विल गेट अ चांस टू बिकम दैट इन द लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ इफ यू एंटर इन टू सिविल सर्विस एट राइट टाइम जैसे आप बाईस तेईस चौबीस साल की उम्र में आईपीएस बन जाओ तो आप किसी स्टेट का डीजीपी बनोगे बनोगे बनो पक्का लेकिन आप वो अट्ठाईस उनतीस साल की उम्र में बनोगे तो डीजीपी कहाँ से बन जाओगे एडीजीपी रिटायर हो जाओगे मैक्सिमम डीजीपी कब बनोगे डीजीपी यू कैन गो इन डेपुटेशन टू एज अ सी डायरेक्टर एज अ आई डायरेक्टर रॉक एज आप बन सकते हो हेड तो ये सब अपॉर्चुनिटीज आई के पास है कि आप अगर ठीक टाइम पे एज में जाओ यू कैन भी सी बी आई डायरेक्टर माई वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज बिकेम केम इन टू आई पी एस एट तो दी एज ऑफ ट्वेंटी टू अब वो पक्का और सी बी आई में डायरेक्टर बनेगा बनेगा वो अगले पाँच साल में सात साल में एज की फैक्टर इम्पोर्टेंट रहता है हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी अरे बोलो ऐसे ही गुड हाँ अ वंडरफुल क्वेश्चन वंडरफुल क्वेश्चन ये है असली पढ़ने वालों वाला क्वेश्चन कि आप दिमाग लगा रहे हो अब आप पी रहे हो पानी नहीं और देखिए इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी है वन प्लस वन प्लस वन मतलब आप जो आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है उसको आपने पंद्रह मिनट आधा घंटा लगाना है रिविजन के लिए उसके लिए हमारी जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसके अंदर इनबिल्ट है कि जो पिछला सेक्शन आपने पढ़ा होता है उसका हम कोई ना कोई एक्टिविटी कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं और उसके लिए हम रेसिपी देते हैं कि ठीक है आधा आधा घंटा आपने पढ़ना है उसके छोटे छोटे टेस्ट डिजाइन हो जाते हैं कि आप उसके टेस्ट देने शुरू कर रहे हो ठीक है वन प्लस वन प्लस सिस्टम चलता है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये करा उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में सपोज फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटी करी सेकंड सेमेस्टर में जोग्राफी कर रहे हो तो जब जोग्रफी पढ़ रहे हो तो आपने पॉलिटी को आपने पंद्रह मिनट या आधा घंटा जरूर थर्टी मिनट्स देने आप जो आपने नोट्स बनाए हैं आपने अब इसके आगे प्रिपरेशन इंट्री केसेज हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं ना वो तो सारी बातें हैं ना आगे आगे डिटेल में उसके भी लेक्चर हैं वो भी हम आपको लिंक दे देंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने की टेक्निक क्या बेस्ट है ठीक है जब आपने जोग्राफी खत्म कर ली थर्ड सेमेस्टर में आ गए आप तो आपने हिस्ट्री पकड़ ली जब हिस्ट्री पकड़ रहे हो तो वन प्लस वन प्लस वन है तो आपने पॉलिटी को पंद्रह मिनट देने हैं जोग्रफी तैयार करी थी उसको थर्टी मिनट्स देने हैं और वो स्मूथली चलता है सिस्टम तो वन प्लस वन प्लस वन स्ट्रटी है मारना, जस्ट पढ़ना है बाय रीडिंग इट सेल्फ आप देखेंगे आपकी वो मेमोरी उसमें जाने लग जाता है वो जरूरी है जी। बताया सारा मैंने वो आपको लिंक आएंगे लेक्चर तो देखो आपको ये तो पता करना ही पड़ेगा कि पढ़ना क्या है वो तो हम ही बताएंगे तो आप सेल्फ स्टडी आपने करनी है तो वो जो लेक्चर लिंक आएंगे आपके पास कि स्टडी मटेरियल कौन सा पढ़ना है सर जी आपने जो मैंने बताई है ये रखनी है स्टडी मटेरियल वहां से उठाना है पढ़ने लग जाओ बस इस टेक्निक से पढ़ोगे तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा देखना दो सेमेस्टर के अंदर यू विल आपको अजीब लगेगा अंदर से कि यार ये तो फसमें हो गया लेकिन कभी भी प्रोकेस्टनेट मत करो कि यार ये छुट्टियां होंगी सेमेस्टर की उसमें मैंने पूरी ज्योग्राफी कर देनी है ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा ना भी कभी भी नहीं होना आपके सीनियर्स ने तीन साल निकाल दिए सोचते सोचते यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम पकड़ पकड़ लो लो सीनियर्स को पकड़ लो जो की तैयारी कर रहे हैं और उनसे लिख लो कि हाँ उन्होंने पिछले तीन साल में क्या पढ़ लिया आपको बिल्कुल आपको ज्ञान आ जाएगा कि ऐसा कभी भी नहीं हो पाता हम खुद आपको बता रहे हैं यार कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सारे नोट्स पढ़े थे मैंने आठवें सेमेस्टर तक मैं पढ़ ही नहीं पाया उसको सेमेस्टर okay, कब कब शुरू होता कब होता है है खत्म पता ही नहीं लगता अब ये टाइम आपका का, का। फिर आपके ला फिर दो तीन महीने तो किताबों को तो अब से, जब सेशन के बाद खुलता जागते हो पेपर आने वाले हैं तब पढ़ना शुरू करते हैं हम ये तो चलते रहने हैं आप एक लाइन आपकी अपनी ग्रेजुएशन है उसको सेपरेट रखो और दो तीन घंटे की जो सिविल सर्विस का आपका टाइम है चाहे वो रात का टाइम है चाहे वो मॉर्निंग का टाइम है वो अलग रखो सारा दिन नहीं आपने कर लिया कि मैं दस से बारह सिविल सर्विसेज नौ से बारह सिविल सर्विसेज मॉर्निंग फाइव टू सेवन सिविल सर्विसेज बस वो रखो बस उसके अलावा सोचना नहीं है पूरे दिन में सिविल सर्विसेज का फॉरगेट अबाउट इट भूल जाओ ऐसे प्रैक्टिकली प्लान करोगे तो कर पाओगे और डेली करना है हमने आराम से कभी दिन मिस हो गया ठीक है कभी पिक्चर देखने गए हैं या कुछ और काम है ठीक है हो गया मैटर उतनी बिट्स आपके पास है टाइम ऑन योर साइड ठीक है आपने सैटर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लिया लेकिन डोंट प्लान लाइक दिस कि भी सेमेस्टर खाली होगा तब हम करेंगे इंटर्नशिप वाले सेमेस्टर में करेंगे इधर करेंगे उधर करेंगे ऐसा नहीं होता लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्लियर दिस एग्जाम बाय दिस स्ट्रेटजी दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड और अच्छी एज में ये टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी है पर थोड़ा सा इसमें अपने आपको डिसिप्लिन करना आपको ज्यादा भी नहीं मैंने बहुत ही रिलैक्स टारगेट्स दिए आपको तो ये आपको कितना तो और कुछ हाँ देखो इट्स ऑल अबाउट टू डू समथिंग इन लाइफ अपने अंदर ही एक अर्ज होती है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है तो जब आपको जिंदगी में अपने अंदर होता ना कि मुझे कुछ करना है देन यू लुक फॉर अराउंड यू कि भाई मेरे आसपास क्या है कि जो मेरे मेरी अर्ज को सेटिस्फाई कर सके एंड डिफरेंट पीपल आर ड्रिवन बाय डिफरेंट अर्जेस नहीं है कि सिविल सर्विस तैयारी करनी है आपने इट्स नेसेसरी आपके अंदर अर्ज क्या है वो आपने फाइंड आउट करनी है आपको पैसा अच्छा लगता है अगर आपको पैसा अच्छा लगता है then there are, there आपको लाइफ में पैसा नहीं चाहिए उतना ठीक है कंफर्टेबल लाइफ हो आपको स्टेटस चाहिए यू वांट टू बी इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी तो सिविल सर्विसेज है ये तो डिपेंड करता है आपके अंदर अर्ज क्या है चाहते क्या हो आप नहीं मेरे अंदर तो यही था कि ठीक है हमारे टाइम पे सिविल सर्विसेज बस तो देखो इट वॉज इट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी बिल्कुल जा सकते क्यों नहीं जा सकते अगर आप उसरा की लाइफ चाहते हो सी करो देखो ऐसा है अगर आपको कौन सा फ्रूट पसंद है एक मिनट लेट मी आंसर देखो इसको बड़ा अच्छे तरीके से आंसर करते हैं आपको कौन सा फ्रूट पसंद है विच फ्रूट डू यू लाइक मैंगो नहीं नहीं वाई नॉट एप्पल बोलो ना बोलो नहीं 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 एप्पल क्यों नहीं एप्पल इज मच मोर हेल्दी देखो आपका क्वेश्चन फंडामेंटली गलत है आप मेरे से पूछ रहे हो कि मेरे मैंने क्यों किया आप अपने आप से पूछो आप क्या चाहते हो बिकॉज यू आर यूनिक यू हैव ट्रिमेंटर्स पोटेंशियल आप इसरो के साइंटिस्ट भी बन सकते हो चेयरमैन भी बन सकते हो आप डिफेंस में लेफ्टिनेंट कर्नल भी बन सकते हो भी बन सकते हो आप कुछ भी बन सकते हो आपने अंदर तो सोचो मेरे से क्या पूछ रहे हो मेरी अपनी लाइकिंग है मुझे मैंगो पसंद है मुझे एप्पल पसंद पसंद है आपको कुछ और पसंद हो सकता है बट लेकिन पसंद पसंद तो करो अभी ये टाइम है है करने का पता सोचते रह गए यार मुझे क्या पसंद है वो चार साल निकल गए डिग्री खत्म हो गई उसके बाद भी सोचते जा रहे हैं मुझे क्या पसंद है जॉब में चले गए तब भी चार साल तक सोचते जा रहे हैं कि मैं करूं क्या तो अभी क्या कर रहा तू कम्रॉस स्टूडेंट कैरी कर रहे हैं आप आई टी आई टी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं लेकिन ध्यान सिविल सर्विस में है आप ना वहां प्रेजेंट हो ना यहां प्रेजेंट हो क्योंकि आप अपने बारे में सोचो कि मैं क्या चाहता हूं दूसरे से मत पूछो बिकॉज यू आर यूनिक मेरे अपने लॉजिक हो सकते हैं आपके अपने लॉजिक हो सकते हैं आप अपना अंदर सोचो कि मुझे क्या चाहिए फिर हमें बताओ कि मेरे को ऐसी लाइफ पसंद है हम आपको रेसिपी देंगे कि अच्छा ये सर्विसेज आपके लिए है एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा एक बस फिर सारी जिंदगी आप अदर्स का ही सोचते रह जाओगे नहीं नहीं ये इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम बेटा इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम हम दूसरों की सुनते हैं अपनी तो सुनते ही नहीं इंडिपेंडेंट नहीं 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 ठीक है ठीक वो रेटरेस में आप पढ़ रहे हो क्या दूसरों से पूछते जा रहे हो तू क्यों कर रहा तू क्यों कर? अभी तू तेरे से पूछा तू क्यों करना चाहता है तो बता नहीं पा रहा बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर लुकिंग फॉर एन आंसर इन अदर पीपल्स व्यूज बिकॉज अपने अंदर आप लेस कॉन्फिडेंट हो कि मैं जो सोचूंगा पता नहीं गलत होगा कुछ गलत नहीं होगा जिंदगी में कुछ गलत नहीं होगा बी स्ट्रांग कि मैं ये करना चाहता हूं मैं नहीं करना चाहता यस डोंट लुक फॉर रैशनल फ्रॉम अदर अदर्स व्यूज अपने लिए रैशनल दूसरों के व्यूज से नहीं खोजना अपने आप से खोजना है जिंदगी में वही कुछ बनते हैं जो अपने आप डिसाइड करते हैं कि मैंने ये बनना है तू क्या तेरा क्या रैशनल है मुझे कोई देना नहीं है मेरा इंपॉर्टेंट ये है मुझे ये बनना है हाँ आप क्या करना चाहते हो बता दो तो सही मुझे आपने अभी तक मुझे ही नहीं बताया आप क्या करना चाहते हो नहीं नहीं मुझसे छोड़ो आप, आप बताओ मैं तो जो कर रहा हूँ आई एम वेरी हैप्पी इन दैट आप बताओ क्या आप करना चाहते हो यू वांट टू अ कंटेंटेड लाइफ दैट्स इट मतलब आप इंजीनियरिंग करोगे इंजीनियरिंग की कोई नौकरी ढूंढोगे दैट्स इट इसमें क्या गलती है सारे थोड़ी आई एस बन जाएंगे यार फिर क्या होगा फिर तो वो भर सीटें होंगी हजारों तैयारी करने वाले पचास लाख होंगे हर इंसान अपने देखो और कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट नहीं है नथिंग इज इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इज़ कि आप एक एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आप अपनी ड्यूटीज अपने चाहे आप आई बन जाओ चाहे कुछ भी बनो अगर आप अपनी ड्यूटीज को फुलफिल अच्छे से कर रहे हो दैट विल इंप्रूव अवर नेशन तो हिस बाई राइट इन सेइंग दैट कि मैं जो करना चाहता हूँ उसमें मैं अच्छे से करना चाहता हूँ बस में इससे अच्छी बात क्या हो सकती है और बट मैं थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो थोड़े से अपने एम्बिशन को अपग्रेड करो अगर इतनी अच्छी सोच आप रख रहे हो इतनी डिफाइंड सोच इस एज में रख रहे हो कि मेरे को जो काम करना है अच्छे से करना है तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप एक ऐसी पोजिशन पर जाओ जिसमें आपको और बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले है ना तो अगर ऐसी सोच के साथ वो कंबाइन हो जाए तो नथिंग लाइक इट तो सोच सोचने की कोशिश करो कुछ ड्रीम करो अभी भी तीन साल वेस्ट ही करना है फिर क्या करना है तो ऐसे अच्छा कुछ तैयारी कर लेंगे ठीक है एनीथिंग एल्स हाँ जी लास्ट क्वेश्चन फिर, नहीं नहीं कुछ नहीं है नथिंग नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं हो सकता कोई सवाल ही नहीं है देखिए जो भी गवर्नमेंट अगर कोई भी चेंज करेगी ना यूपीएससी इज अ वेरी रैशनल ऑर्गेनाइजेशन वो आपको दो या तीन साल का नोटिस देगी उन्होंने खुद ये बोला है कि अगर हम कुछ भी चेंज लाएंगे तो ऐसा नहीं है कि 2024 में इंप्लीमेंट हो जाएगा या 25 में इंप्लीमेंट हो जाएगा ब्रिंग अ लॉन्ग टर्म चेंज अरे कुछ नहीं ऐसा देखो सब्जेक्ट्स पे ये लिमिटेशन लगनी तो वर्चुअली इम्पॉसिबल है कि हम कहीं इंजीनियर्स नहीं कर सकते या डॉक्टर्स नहीं कर सकते इसका तो लॉजिक ही नहीं है कोई हाँ इट्स लॉजिक नहीं है इसका कोई बिकॉज भाई एजुकेशन एजुकेशन इज समथिंग जो ग्रेजुएशन कर रहे हो एक है ना? अब आपकी रियलाइजेशन उस वक्त आई ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आई कि मैंने इस तरह का करना है तो कौन रोकेगा आपको इट्स अ ब्रीच ऑफ योर फंडामेंटल राइट टू अवेल अपॉर्चुनिटीज है ना तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता हाँ स्ट्रक्चरल चेंज जो पैटर्न ऑफ एग्जाम के अंदर है वो एक्सपेक्टेड है कि ऑप्शन खत्म कर दें मे बी वो या जीएस को और ब्रॉड बेस कर दें है ना या कुछ ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस कर दें साथ में कि पोस्ट आकर के कि ट्रेनिंग के साथ आप एग्जाम दो उससे होगा वो चीजें हो सकती हैं बट नॉट कि किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन को लिमिट uh, करने की कोई uh, वो नहीं है नहीं है ठीक है जी थैंक यू वेरी मच और पेशेंटली डिस्लिंक थैंक यू

जो लिंक आपको प्रोवाइडेड की गई है द लिंक विच हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू फॉर द रजिस्ट्रेशन यू विजिट दैट लिंक इट सेल्फ एंड यू कैन सेट यू कैन अटेंड द एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर इट सेल्फ वहाँ पे एक कॉलम है दिया हुआ है आप टेस्ट वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं बस अगर आपके साथ ही चलेगा टाइमिंग का वन आवर सिक्सटी मिनट्स का द मोमेंट इट इज़ डन टेस्ट बंद हो जाएंगे ठीक है बारह बजे पक्का ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद फिल्म के टेस्ट सारे ऑनलाइन होंगे और माई सजेशन टू यू इज

हंड्रेड मार्क्स टू आवर्स एंड एस सी का पेपर वन आवर बीच में आपको आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा मेन्स फाइनली डे आफ्टर टुमारो इन द मॉर्निंग विल भी अनाउंसिंग द फाइनल रिजल्ट ऑफ द मेन्स एग्जामिनेशन जिन्होंने क्लियर किया है उसके बाद वी वुड भी कंडक्टिंग इंटरव्यू डे आफ्टर टुमारो फाइनल रिजल्ट अनाउंस होगा ऑन द ट्वेंटी सेकंड आई थिंक ट्वेंटी सेकंड मॉर्निंग ट्वेंटी सेकंड मॉर्निंग दाइनल रिजल्ट एंड वी वुड बी गिविंग The campus, या फिर जो भी स्कॉलरशिप है हमारा तो डिट टॉप टेन स्टूडेंट वीविंग टॉप फर्स्ट थ्री जो होंगे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रैंक जो होंगे उनको हम हंड्रेडेंट हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे जो हमारी अभिमन्यू की ग्रेजुएशन के कोर्सेज है सिविल सर्विस के साथ सिविल uh, सर्विस के जो कोर्सेज है उसके बाद जो टीन होंगे उनको हम सेवेंटी फाइव परसेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे जो तो कोर्स भी है उसके बाद के जो दो है उसे 50% और उसके बाद के जो दो होंगे उसे 25% समय अराउंड एग्रीगेटली वीड बी प्रोवाइडिंग अ 20 लाख स्कॉलरशिप टू द टॉप 10 स्टूडेंट्स हु बी सिक्योरिंग द रैंक्स एक से लेके दस तक ठीक है इज एवरीथिंग अंडरस्टूड ओके बेस्ट ऑफ लक थैंक यू